अहमद भाई, ठीक है, आपकी किताब में भी मायूसी हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक शायर में ना मोहब्बत का जज्बा ना हो। और आपकी किताब में भी एक शेर है कि मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता, फिर कॉलेज में एक नई उस्तानी आई। ये उस्तानी आपकी वजिस्तान में ही आ गई थी या आप पिंडी इस्लामाबाद में कहीं आपको मिली? ये शेर मैंने इधर ही लिखा है, पिंडी। अच्छा, में मतलब यहाँ पर आके कहीं आपको मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो खैर आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते। मैं जिस मोहब्बत का बात जी जी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जी मैं समझ गया, वो लोगों में माशरे वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे आके जो आप माशाल्लाह अभी आप जवान हैं जी जी, इस शेर में आपने जिस तरह जिक्र किया है, मैं वो मोहब्बत पूछना चाह रहा हूँ कि वो पहली मोहब्बत क्या आपको हो चुकी है या अभी होनी है? नहीं, वो मोहब्बत मैं समझता हूँ कि हो चुकी है। अच्छा, मैं ये कहूँगा इसलिए कि देखे शायरी, अगर आपके सीने में कोई तड़प नहीं है, अगर आप कोई चेहरा कोई याद आप के दिलो दिमाग में तो नहीं है कुछ, तो आप ऐसा शेर नहीं कह सकते जिसके अंदर कोई तासीर हो। तो उस तासीर के लिए अगर शेर में वारदात शेर नहीं करता तो वो शेर ही नहीं है। तो उस वारदात के लिए शेर में तासीर जो है वो पैदा होने के लिए, शेर अगर अगले को लगे कि ये मेरी कहानी है तो उसके लिए आपका आपके सीने में एक तड़प होनी चाहिए। यानी जो जज्बा एक हिजर याफ्ता शायर के यहाँ जो एक तड़प होती है वो शायद दूसरों के यहाँ नहीं होती। तो ये वारदात ये चीज़ें तो शुरा के साथ रही है। ठीक है, चलें, अल्लाह आपको जो मोहब्बत है वो मिलना भी नसीब फरमाए।